नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने, जहां आज हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को प्रशस्त पत्र और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, तो वहीं ओमिक्रॉन को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का कहना है कि सभी लोगों को परिवार की तरह एकजुट होकर हराना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा, तभी ओमिक्रॉन से हम लड़ सकते हैं, ओमिक्रॉन के स्ट्रेन को तोड़ सकते हैं। तो हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी और राज्यपाल, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। ओमिक्रॉन को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का कहना है कि सभी लोगों को परिवार की तरह एकजुट होकर हराना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। का जो खतरा है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की एक थ्रेट है, हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जिस प्रकार से हमने सीखा है, मैं तो कहूँगा कि हम सबके लिए चुनौती है, और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी से करें, क्योंकि सबसे बड़ी होती है हेल्थ सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ी चुनौती है, और हमको एकदम प्रोटोकॉल और अपना सेल्फ डिसिप्लिन, अपना अनुशासन के मुताबिक इसमें काम करना चाहिए। जो रिपोर्ट आई है, जिस प्रकार से जो भी हमारे मामले आए हैं, उन मामलों को देखते हुए हमने अभी अपनी मंत्रिमंडल की जो हमारी बैठक थी, उस बैठक में इसकी पूरी समीक्षा की है, सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा की है, और जान माल को हर प्रकार से उनकी सुरक्षा हो उसको लेकर हम लगातार उसकी बैठक कर रहे हैं, लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं। अभी हमने 24 तारीख को इस पर बड़ी बैठक की है, उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें मोदी जी यहाँ आएंगे, और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था, यहाँ भी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं, और पिछले 5 सालों में 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति अभी तक हो गई है, और हमारे यहाँ पर एम्स भी उस दिन जो है उसका भी शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शांतिपुरी में आयोजित एक जनसभा के दौरान क्षेत्र महिला समूह के अध्यक्षों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं को कुमाऊनी संस्कृति की ध्वजावाहक तो पूर्व सैनिकों को देश का गौरव बताया। हेलीकॉप्टर से स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में उतरे पूर्व सीएम हरीश रावत के सभा स्थल पर पहुंचने पर मैदान से लेकर सड़कों तक हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं मंच पर पहुंचते ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने कार्यक्रम आयोजक प्रदेश सचिव विनोद कोरांग की पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी भी दी। यह आपसे मिलने के बाद जोश दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप तो जानते हैं मैं बड़ा शांतचित्त आदमी हूं, लेकिन शांतिपुरी के लोगों का जोश देखकर और उसमें आपकी आंखों से बरसते हुए स्नेह को देखकर मुझे भी जोश आ गया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नए साल में क्या नया करने जा रहे हैं? आपने अपने ट्वीट में कहा था नए साल में कुछ नया होगा, क्या नए साल में? नई सरकार आएगी और एक बहुत अच्छे बहुमत वाली सरकार आएगी, एक जन उन्मुखी, गरीबों उन्मुखी, आम आदमी की मदद में खड़ी होने वाली सरकार आएगी। मैं हमेशा कहता हूँ एक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार भी है, खुली सुनवाई होती है, समाधान भी होता है, लेकिन और विचारधारा में भी बहुत फर्क है। वैचारिक जो हमारी सोच है, विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा एक सामाजिक सद्भाव, सर्वधर्म संभाव की है, लेकिन वो जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी, वो विचारधारा अलग है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नीतियाँ रही हैं, कांग्रेस के सिद्धांत रहे हैं, कांग्रेस का योगदान रहा है, कांग्रेस का देश के निर्माण में, उत्तराखंड के निर्माण में, तो उत्तराखंड के विकास में बहुत बड़ी भूमिका रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सितारगंज के लोकागोठा गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश गंगवार, पूर्व विधायक नारायण पाल सिंह, वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत लोकागोठा गांव पहुंचकर बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा के खिलाफ आवाज उठाने वाले दलित सत्येंद्र कुमार के परिवार के घर पहुंचे और उस पर हुए अत्याचार की निंदा करते हुए आधा घंटे का मौन उपवास भी रखा।
इसके साथ ही दंतेवाड़ा में शहीद ब्रजनंद की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार किया गया है, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ है। शासन का ऐसा विभत्स अत्याचार 21वीं सदी में आप किसी के लिटा करके थर्ड डिग्री यातनाएं देते हैं और पुलिस थाने के अंदर उसके ऊपर पेशाब करते हैं, उसके मुंह में पेशाब करते हैं, तो ये सब चीजें जो है बहुत ही लज्जाजनक है। और उस ऐसे व्यवहार के खिलाफ सत्येंद्र कुमार उठ करके खड़े हुए हैं, इसलिए वो संघर्ष के प्रतीक बन गए हैं और ये गांव संघर्ष का एक तीर्थ स्थल बन गया है। अब जो भी संघर्ष करेगा, आगे ऐसे अत्याचार होंगे तो उन अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करने वाला इस गांव का उदाहरण लेंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम इस मामले को एक ऐसा उदाहरण बना करके दंडित करेंगे लोगों को कि भविष्य के अंदर लोगों की ऐसे कदम उठाने से पहले हजार बार व्यक्ति सोचेगा, उसकी रूह भी कांपेगी। जो है मैं अपने पुराने परिवार में आया हूँ, कोई कांग्रेस में नया नहीं आया हूँ। बीच में कुछ नादानी कुछ गलतियों की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, जिसका मुझे एहसास हुआ। मेरे साथ में जो क्षेत्र की जनता थी, पूरी जनता को एहसास हुआ हमने गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए आज हमने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, हमारे कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय श्री हरीश रावत जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यशपाल आर्य जी और सम्मानित सभी वरिष्ठ जन वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में 24 जिला पंचायत सदस्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां और कांग्रेस सेवा दल का 99वां स्थापना दिवस ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में धूमधाम के साथ मनाया गया। वही मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को अपनी सलामी दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरफ से बनाए गए संविधान के रास्ते पर चलकर वो ईमानदारी का साथ देंगे, हर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। चाहे वो हिमालय की गुफाओं में हो और इंद्र महासागर के किनारे हो, उन सबको, क्योंकि उनका आज जन्म दिवस है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि देश की आज़ादी को दिलाने वाली कांग्रेस को जीवंत रखें और यही उनका सम्मान है। उनको नए साल की भी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी। मैं सर्वप्रथम तो अपने जो सभी साथी हैं उनको कांग्रेस और सबदल की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। तो आज जो प्रोग्राम है उसमें क्या क्या विशेष है? विशेष ये जो प्रोग्राम है पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है और हम तो ये सबको संदेश देना चाहते हैं कि हाई कमांड ये जो जिसके भी हम अधीन जिसके भी हम उसके अंडर में रहेंगे, हम पूरे विश्वास से उनकी सेवा करेंगे, समाज की सेवा, जनता की सेवा में। उत्तराखंड कांग्रेस का वीर ग्राम प्रणाम योजना कार्यक्रम के तहत ब्लॉक के विकासखंड गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत समेत कई कार्यकर्ताओं ने ग्रामों में जाकर उन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को फूलमाला और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया है। थराली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक खास कार्यक्रम रखा गया था। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस का वीर ग्राम प्रणाम योजना कार्यक्रम के तहत ब्लॉक के विकासखंड गांव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत समेत कई कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, उन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इस दौरान शहीदों के परिजनों को फूलमाला और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया है। हमारे गाँव में
आज सबसे पहले हम श्री अनुसूया सिंह बिस्ट जी की को श्रद्धांजलि दी, श्रीलंका में शहीद हुए। उसके बाद हम वीर सतीश चंद सती जी के घर पे गए, जो कारगिल के बटालिक में जो शहीद हुए थे टाइगर हिल्स पे। देखिए, ये हमारा कोई इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि वीर ग्राम प्रणाम यात्रा, जहाँ जहाँ पूरे देश के अंदर में गांव के अंदर जिन्होंने अपने जो देश के लिए अपनी जानें दी, शहादत दी है, उनको कांग्रेस पार्टी ने पद यात्रा का रूप दे करके उसके लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया। प्रथम तो जो हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है ग्राम शहीद यात्रा, उसके तहत हमने एक निर्णय किया कि हमारी दूरस्थ ग्राम ये न्याय पंचायत छिमली है, उसमें हम इसको मनाएंगे। और आज सब लोगों ने यहाँ पर आकर, हमारे पूर्व विधायक जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, सब लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस का एक मिशन है कि वीर ग्राम जो हमारा सम्मान योजना है, उसके अंतर्गत आज हम छिमली ग्राम सभा में पहुँचे। उसमें हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय फतेह सिंह जी हैं, उनका परिवार है। यहाँ पर शहीद सतीश चंद्र सती जी का जो शहीद हुए थे कारगिल शहीद में, उनका गांव यहीं शिमली के अंतर्गत है। और स्वर्गीय श्री अनुसूया सिंह बिष्ट जी का भी जो है, जो श्रीलंका में शहीद हुए थे, उनका भी ग्राम सभा यहाँ पर है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार उत्तराखंड में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। वहीं आज विजय संकल्प यात्रा टिहरी के मुनकीरेती क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी विजय संकल्प यात्रा में नजर आए। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ ने बीजेपी के पक्ष में नारे लगाए, राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनरल वीके सिंह और कैबिनेट मंत्री को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। विजय तो निश्चित, लेकिन अब बाकी लोगों को संकल्प दिलाना। ये विजय संकल्प यात्रा इसीलिए है कि ये विजय का संकल्प लेकर जो हम निकले, घर घर जाएं, हर लोग, हर जितने भी लोग हैं, सबको बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है, ताकि प्रदेश का और विकास हो और सबको हम अपने साथ लेकर चल सकें। जहां एक ओर उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की आवाज को घेरने की कोशिश की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बिहार से अपने रिश्तेदारों को उत्तराखंड में बुलाकर रोजगार दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का युवा पूरी तरह से बेरोजगार नजर आता है। हम शांतिपूर्वक तरीके से मंत्री के आवास का घेराव करना चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी डरी है, उसने पुलिस को आगे किया है। हम प्रयास ये करेंगे कि हम मंत्री के आवास तक पहुंच। विरोध है, जवाब दो, हिसाब दो। माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया, जनता उनसे जवाब मांगती है। जनता बिहारी, जो बिहार के लोगों को लाकर के यहाँ पर नौकरी दी गई, उसका जवाब मांगती है। बदहाल सड़कों का जवाब मांगती है। हमने आए थे, हम उनसे सवाल पूछने आए थे कि आपने हमारे बच्चों का जो हक है, वो बिहार से लाकर अपने रिश्तेदारों को नौकरी क्यों दी। हम उनसे पूछने आए थे कि आपने गरीब हमारा लच्छू जो भाई है, और जो तमाम गरीबों की छत छीनने का काम क्यों किया। हम उनसे पूछने आए थे कि उनके परिवार के लोग क्यों गुंडागर्दी कर कर गरीब लोगों की जमीनें कब्जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग घर टूटा हुआ है, तो फुक्से जनजाति को मंत्री होकर, मंत्री किसका घर टूटा, कहाँ पे टूटा, कहाँ पे? अच्छा, ना एक इनको मंत्री हो, ठीक है, किसी को विवाद भी हो रहा है आपस में, तो मंत्री जाकर समझा तो सके है, उसको फैसला तो कर सके है, क्यों नहीं करा उनने मंत्री होकर भी। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है और ये लोग 250-300 की संख्या में होंगे लगभग, तो ये 2-3 गाड़ियों में इनको जो है गिरफ्तारी इन्होंने इनकी की गई है और अभी इनको थाने ले जाया गया है। तो इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इन पर जो विधिक कार्रवाई है, जैसे अपना इन्होंने जो भी लीगल जैसे डिटेन किया है या रास्ता है, इस तरह से।
नैनीताल में आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाइयां बांटी और इसे चंडीगढ़ की जनता और आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए आम आदमी पार्टी के मंडल अध्यक्ष शाकिर अली ने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और देश के सभी बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश के 2022 के होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की ये जीत मील का पत्थर साबित हो रही है। हरिद्वार में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई हेट स्पीच के बाद वसीम रिजवी और संतू पर हरिद्वार नगर कोतवाली में दर्ज किए गए मुकदमों का जवाब देने के लिए हरिद्वार के भूपतवाला स्थित श्वाम्भवी आश्रम में साधु संतों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी भी पहुंचे। बैठक में वसीम रिजवी ने इस्लाम, मोहम्मद साहब और जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी संतों ने मुहर लगा दी। कोर कमेटी की बैठक हुई है, इसमें जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि हम इस्लाम की जिहादियों के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, इस्लाम के जो इस दुनिया में इस्लाम को लाने वाला है मोहम्मद, उसकी मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे। जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम, हम उसकी मानसिकता पर चोट करेंगे, हम उसके ऊपर चोट करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपने खून की एक एक बूंद भी देंगे। लेकिन हम उस कट्टरपंथियों से किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं। धर्म संसद हुआ था, कोई खेल थोड़ी ना था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया। धर्म संसद में कितनी लाशें मिली रात में, हमने किसको मारा? क्या धर्म संसद के बाद वहां से मुसलमानों की लाशें मिली थी? हमने अपने विचारों की बात की थी, वो सबके स्वतंत्र विचार थे। हमने मोहम्मद किताब जो लिखी वो हिंदुस्तान में कई कोर्टों में चैलेंज हुई है, लेकिन उस पर किसी पर स्टे नहीं हुआ। अगर हमने उस पर जो जो बातें लिखी थी मोहम्मद के विषय में कि मोहम्मद अहंकारी था, मोहम्मद पागल व्यक्ति था, आतंकवादी था, आतंक की बुनियाद उसने पैदा की थी 1400 साल पहले, तो हमने वही चीज मंच से भी बोली थी। जब कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो FIR कैसे? हमारी बोलने की आजादी को रोका जाएगा इन कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में? आज 21 महापुरुषों की कोर कमेटी धर्म संसद 2021 ये निश्चित की गई है, और ये इसलिए की गई है कि वेद निकेतन में जो धर्म संसद हुई थी, आज वह धर्म संसद पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी, और चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि उस धर्म संसद में महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, इस्लाम का जिहाद पूरी धरती से मानवता समाप्त करना चाहता है, और पूरी धरती की मानवता को अगर बचाना है तो इस्लाम के जिहाद को समाप्त करना पड़ेगा और कुरान के मानने वालों को भी समाप्त करना पड़ेगा। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल किसी न किसी बयान को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने झबरेड़ा से बीजेपी का टिकट मांग रहे दावेदारों को मक्खी कहा है। बीजेपी विधायक ने दावा करते हुए कहा कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास कार्य उन्होंने किए हैं, इसलिए वो गुड़ हैं, और गुड़ को देखकर बहुत सी मक्खियां गुड़ पर चिपकने की कोशिश कर रही हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगने के लिए बहुत सी मक्खियाँ विधानसभा में प्रवेश कर चुकी हैं, और क्योंकि मैं गुड़ हूँ, मैंने प्रदेश में सभी विधायकों से ज़्यादा काम किया है, मैंने देश में सभी विधायकों से ज़्यादा विधायी कार्य किया है, मैं गुड़ हूँ, इसलिए मक्खी भिड़कने के लिए आ गई है। मैं निवेदन करूँगा उन मक्खियों से कि वो थोड़ा गुड़ से थोड़ा ऊपर को ही रहे, उसमें बैठने की कोशिश ना करें, कभी वो धस जाए या चिपक जाए।
राज्य सरकार भले ही स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कर्णप्रयाग का उप जिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर्स के कई पदों पर रिक्तियां होने के बावजूद दो विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले की खबर सुनते ही स्थानीय लोग नाराज हो गए। अस्पताल में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी और चेतावनी दी है कि अगर दोनों विशेषज्ञ डॉक्टर्स का तबादला नहीं रोका गया तो आंदोलन किया जाएगा। सरकार से बार बार प्रार्थना की, अनुरोध किया है। कल भी सरकार जो है जनता के द्वारा आई थी और हमने सरकार को भी यही कहा कि आप जो है इन डॉक्टरों का जो है जो हस्तांतरण यहाँ से हो रहा है आप जनहित में रोकिए, नहीं तो इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा और सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है दोनों डॉक्टरों का जनहित में जो है गरीब जनता को देखते हुए इनका हस्तांतरण शीघ्र रोक दिया जाए, जिससे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गरीब जनता को मिल पाए। कर्णप्रयाग के माध्यम से ज्ञापन अभी हमने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए प्रेषित किया है। हमने मांग की है कि हमारे जो डॉक्टर हैं उनका स्थानांतरण तत्काल रोका जाए और अगर उनके स्थानांतरण को रोका नहीं जाएगा, डॉक्टर के जगह पर डॉक्टर को नहीं दिया जाएगा, तो हम तत्काल कर्णप्रयाग के अंदर तहसील प्रशासन के अंदर उसका तालाबंदी करेंगे, जरूरत पड़ने पर बाजार को बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे और यहाँ तक कि डॉक्टरों के स्थानांतरण रोकने के लिए और डॉक्टरों की मांग के लिए हम भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी यहाँ पर बैठेंगे। तो अभी सुनने में आया है कि यहाँ से डॉक्टर राजीव शर्मा जी जो हमारे सरदन साहब यहाँ पे कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका पदोन्नति के आधार पर ट्रांसफ़र हो रहा है और एक हमारे जो दंत चिकित्सक हैं उनका जो है ट्रांसफ़र गोपेश्वर किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तीन विधानसभाओं का क्षेत्र है, पिंडर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ। ये यात्रा का भी बहुत बड़ा पड़ाव है, यहाँ से डॉक्टरों का स्थानांतरण होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अभी डॉक्टर राजीव शर्मा जी से भी वार्ता करेंगे, यदि उनका प्रमोशन हो रहा है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि उनका प्रमोशन हमारे जनपद में ही किया जाए, जिससे कि यहाँ की जनता को पूरा लाभ मिले। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के उत्तराखंड में दस्तक के बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ऐसे में ऋषिकेश के अंदर नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू की पहली रात को मुनादी कर लोगों से कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की। इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि अगर नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमते हुए लोग सड़कों पर पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, इसलिए आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी लोग 11 बजे तक अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। यदि आप में से रात के 11 बजे के बाद बिना वजह कोई घूमता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ऋषिकेश ने हाउस टैक्स में दी जा रही 50% छूट को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है, जबकि व्यावसायिक टैक्स में 90% की छूट देने का प्रस्ताव भी पारित किया है। हालांकि ये प्रस्ताव शासन को भेजा गया, शासन से पारित प्रस्ताव पर किस तरह का फैसला लिया जाता है उसके बाद व्यावसायिक टैक्स निर्धारित किया जाएगा। बता दें कि हाउस टैक्स का मामला सुलझाने के लिए इंद्रमणि बडोनी हॉल में नगर निगम ने बोर्ड बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। आवासीय एवं व्यवसायिक टैक्स में छूट देने के संबंधित बोर्ड बैठक रखी गई, जिसमें बोर्ड में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से आवासीय छूट नगर निगम बोर्ड ने पहले भी आवासीय में 50% की छूट दे रखी है, उसको आगे भी आने वाले वित्तीय वर्ष जब तक हमारा ये बोर्ड का कार्यकाल है 2023-24 तक उसको यथावत रखा जाएगा। और व्यवसायिक टैक्स में सभी पार्षदों ने, संपूर्ण बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि 90% की छूट दी जाएगी और उसको आगे शासन को भेजा जाएगा। शासन से जो भी निर्णय आएगा वो सभी को मान्य होगा और उसके आधार पे फिर व्यवसायिक टैक्स लिया जाएगा। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का अचानक लापता हो गया। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। एक महीना बीत गया लेकिन युवक का पता नहीं लग सका है। वहीं परिजनों का कहना है कि कॉल डिटेल्स में पता लगा था कि युवक को फोन पर मुजफ्फरनगर क्षेत्र से अन्य युवकों का फोन आया और फोन आने के बाद वो घर से चला गया। आरोप है कि युवक को लापता करने में उन्हीं 3 युवकों का हाथ है। इसी के साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है और युवक को गायब करने में शामिल आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है।
सर्वप्रथम तो जो हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है ग्राम सही यात्रा, उसके तहत हमने एक निर्णय किया कि हमारी दूरस्थ ग्राम ये न्याय पंचायत छिमली है, उसमें हम इसको मनाएंगे। और आज सब लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे पूर्व विधायक जी ने। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।